बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लिहाजा जदयू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कल ही कर दी थी, बीजेपी ने कल ही कर दिया था। आज राजद ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र सिंह नामधारी। और उम्मीदवारों की नामों की घोषणा करने के बाद आज उम्मीदवार ने बिहार विधानसभा में अपने पद के लिए नामांकन भी दाखिल किया। साथ में तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह और आरजेडी के तमाम नेता उपस्थित रहे। उसके बाद तेजस्वी यादव बाहर निकले, पत्रकार से बात किया। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने पत्रकार से बात किया है, आप इस वीडियो के माध्यम से खुद सुन लीजिए। ए टू जेड की पार्टी, हमारी पार्टी हर जात के लोगों को, हर समाज के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने भूमिहार जाति को भी भेजने का काम किया, राजसभा वैश्य जाति को भी भेजने का काम किया, पिछड़ों को भी भेजने का काम किया, अल्पसंख्यकों को भी भेजने का काम किया, दलितों को भी भेजने का काम किया। और आने वाले विधानसभा में हम लोग जो आरक्षण जो हमारी पार्टी ने जो देने का काम किया है संगठन को लेकर के, उसी तर्ज पे आने वाले विधानसभा में भी आरक्षण के तर्ज पे अति पिछड़ों को, दलितों को हम लोग जो है जो संख्या हम लोगों ने बनाया है संगठन में, उसी हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व का मौका देने का काम कर रहा है। और हम एक कोशिश हमारी रही है कि सब समाज के लोगों को साथ लेकर के चलें, और हमारी अपेक्षा भी रही है जब हम एक कदम बढ़े हैं तो सभी समाज के लोग जो हैं वो भी कदम बढ़ाने का काम करें। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे HD News। नमस्कार।